ललितपुर जिले के राजघाट स्थित महारानी लक्ष्मीबाई बांध के कर्मचारियों को 5 माह से वेतन न मिलने से वह भुखमरी की कगार पर है, जिससे परेशान होकर कर्मचारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर वेतन की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार 5 माह से वेतन न मिलने पर हम लोग भुखमरी की कगार पर हैं। इसी क्रम में एक कर्मचारी सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या भी कर चुका है। 5 माह से वेतन न मिलने की वजह से सभी के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा है। आज करीब 300 कर्मचारियों ने ललितपुर मुख्यालय पर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और शीघ्र ही 5 मई तक का वेतन दिलाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि राजघाट बांध निर्माण के समय यूपी और एमपी सरकार द्वारा आपसी समझौते के आधार पर इस राजघाट बांध का निर्माण किया गया, जिसमें हम लोगों को केंद्र के तहत यहाँ रखा गया था। कर्मचारियों द्वारा वेतन न मिलने की स्थिति में यूपी की नहरों का पानी रोकने की चेतावनी भी दी गई। चूंकि विगत 5 माह से हमारे कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, शासन के लिए संघ स्तर पर कई बार हमारे संघ से मान लीजिए चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मान लीजिए कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इसी क्रम में पिछले माह हमारे एक सुपरवाइजर मंगल सिंह ने सुसाइड कर लिया है, जो सुसाइड नोट में उन्होंने स्वयं लिखा है कि आर्थिक तंगी की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैं अपने उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी, वो उसका इलाज नहीं करा पाया, खुद की इसलिए मान लीजिए उसने सुसाइड कर लिया, जो सुसाइड नोट में लिखा है। इसके बाद हमारे एक कर्मचारी महेश शंकर योगी ने जल समाधि का, मैं परिवार के जल समाधि लेने का नोटिस दिया है कि 15 दिन के अंदर हमारे कर्मचारियों का सबका मान लीजिए वेतन दिलाया जाए, अन्यथा हम जल समाधि ले लेंगे। और राजघाट बांध परियोजना संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश दोनों की भागीदारी से ये डैम बना है, दोनों प्रदेशें फंड देती हैं, जिससे मान लीजिए उसके मेंटेनेंस रख रहा एवं कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। ये 5 माह से वेतन न मिलने के कारण हमारा एक बीच का कर्मचारी मंगल सिंह अपना आर्थिक स्थिति तंग होने से अपना इलाज नहीं करा पाया है और उसने बड़ेरा कॉलोनी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है, और जो उसने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है। फिर भी यदि हम लोग की समस्याएं नहीं निपटती हैं तो हमें मजबूरी यह निर्णय लेना पड़ेगा। और बहुत से कर्मचारी अभी हमारे आर्थिक स्थिति खराब होने से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, जैसे अभी एक कर्मचारी थे वो करतार सिंह, उनको गले में कैंसर है, वो अपना इलाज नहीं करा पा रहा है, वो भी कह रहा है कि मैं भी मर जाऊंगा। यदि ऐसी विषम परिस्थिति से निपटना है तो हमें सबको एकजुट होकर इस समस्या का हल निकालना है, जिससे वेतन मिलता रहे, कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।